हाय गाइस, इसमें हम लोग बात करेंगे इंसर्ट की। इंसर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें तीन कंडीशंस हो सकते हैं कि आप अपने लिंक्ड लिस्ट में, जो कि आपका पहले से बना हुआ लिंक्ड लिस्ट, उसमें आप कोई नोड इंसर्ट करते हैं। तो या तो आप अपने लिंक्ड लिस्ट के स्टार्टिंग में कोई नोड इंसर्ट करेंगे, या तो फिर एंड में करेंगे, या तो फिर उस लिंक्ड लिस्ट के किसी भी किन्हीं दो नोड्स के बीच में आप एक नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं। ये तीन कंडीशंस आपके बेसिकली हो सकते हैं इस इंसर्ट टॉपिक में या फिर इंसर्ट ऑपरेशन में। ओके, सो तीनों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला हमारा होगा एट बिगनिंग, एट एंड, देन एंड लास्ट, एंथ पोजिशन। एंथ पोजिशन मीन्स कहीं भी, यानी कि दो नोड के बीच में कहीं भी, किसी भी पोजिशन पर। ओके, सो इन तीनों को हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं इंसर्ट नोड एट बिगनिंग। तो ये हमारा पहले से नोड क्रिएट किया हुआ है, यानी कि लिंक्ड सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बसंती है, देन इसका अपना 231 एड्रेस है, और ये इसको लिंक इसे लिंक्ड है, या इसीलिए ये इसके पॉइंटर पार्ट में 324 इसका इस नोड का एड्रेस है। सिमिलरली ये इससे लिंक्ड है, इसलिए इस नोड का एड्रेस इसके पास है, और इसकी इसका कोई भी मतलब इसके आगे कोई भी नोड नहीं है, इसीलिए इसके पॉइंटर पार्ट में नल वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, लास्ट नोड जो होता है वो हमेशा नल होता है, क्योंकि ये किसी अदर नोड को पॉइंट नहीं करता। और यहाँ हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है, PTR नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि फर्स्ट नोड का यानी कि हेड नोड का एड्रेस होल्ड करता है। ओके, सो बेसिकली PTR पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को या फिर हेड नोड को। ओके, नाउ हम लोग एक नया नोड बनाते हैं जो कि गब्बर है। गब्बर नया नोड मैंने बनाया है, ये नया नोड बना है, किसी से लिंक्ड नहीं है, तो इसके पॉइंटर पार्ट में नल है, और इसका अपना एड्रेस से 650। अब इस ये जो 650 है, इसका अपना जो एड्रेस है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेम्प नाम का, जो कि होल्ड करेगा इस नए नोड का, जो कि गब्बर है, इस नए नोड का एड्रेस। ओके, ना इस देखिए, यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है इसका वैल्यू, यानी कि गब्बर की जगह आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं। ये डाटा पार्ट है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, कोई भी इंटीजर, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ये पहले ही लिख दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली लिखा कैसे जाता है, आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे कैसे, यहाँ जो भी आप लिखते हैं डेटा, या फिर आप यहाँ जो भी एड्रेस लिंक होकर आता है वह कैसे आता है, ये प्रोग्राम में तो हम देखेंगे ही। फिलहाल यहाँ इतना समझ लीजिए, यहाँ जो पॉइंटर क्रिएट किया गया है, इस पॉइंटर के थ्रू ही इसमें डेटा इंसर्ट किया जाता है, डेटा राइट किया जाता है, ठीक है। सो यूजिंग दिस टेम्प पॉइंटर मैंने यहाँ गब्बर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि यूजिंग दिस टेम्प पॉइंटर मैंने यहाँ नल, इसके पॉइंटर पार्ट में नल वैल्यू लिखा है, ठीक है। खुद ब खुद सब कुछ नहीं आता, कुछ कुछ भी खुद खुद नहीं होने वाला है, सब आपको यहाँ लिखना पड़ता है। यहाँ चाहे यहाँ नल आप लिख नल की बात करें, या फिर यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू, या फिर स्ट्रिंग, या फिर गब्बर की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको खुद लिखनी पड़ती हैं। नाउ इस टेम्प, ये जो टेम्प है, इस टेम्प पॉइंटर का यूज़ करके हम लोग यहाँ जो नल है, नल इस ये जो देखिए, कोई भी हम लोग नया अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ये नल की जगह अगर ये एड्रेस डाल दें यहाँ, तो ये इसे लिंक्ड हो जाएगा और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा काम बस इतना ही है कि किसी तरीके से हम लोग इसको लिंक्ड करें। लिंक्ड कैसे होगा, जब इसका एड्रेस इस नल की जगह आएगा तो ये ऑटोमेटिक लिंक्ड हो जाएगा, तो वही हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब ये इसको लिंक करेगा। जैसे ही ये इसको लिंक करता है, ये क्या होगा, नल यहाँ से चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा इसका एड्रेस। इसका एड्रेस कैसे आता है, इसका एड्रेस आता है यूजिंग टेम्प, यानी कि यूजिंग दिस पॉइंटर, सॉरी, यूजिंग दिस टेम्प पॉइंटर आपको यहाँ इसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। होल्ड, जैसे मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि कैसे इसको किया जाता है, इस टेम्प यूजिंग दिस टेम्प पॉइंटर यहाँ इसका एड्रेस आपको इस नोड का एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ता है। ओके, सो नाउ ये अब लिंक्ड हो गया है ये सभी। ओके,
नाउ फाइनली आपका एक और सिचुएशन बाकी है भैया, कि ये जो पीटीआर है, ये पीटीआर हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, जबकि यहाँ अब फर्स्ट नोड गब्बर है, ना कि बसंती। बसंती तो अब फर्स्ट नोड नहीं है, हेड नोड नहीं है, हेड नोड अब कौन है? हेड नोड है गब्बर, क्योंकि हम लोगों ने इस लिस्ट के बिगिनिंग में इसको इंसर्ट किया, इसलिए अब ये हेड नोड है, तो इसका एड्रेस आना चाहिए इस पीटीआर में, तो हमें यह भी करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग, यानी कि दोनों में ही अब इसका एड्रेस होगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं कोई भी नोड बिगिनिंग में। आई होप ये क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।